कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई, हाँ जी, कल्याण जी भाई, हाँ आनंद जी भाई, हाँ मूड बड़ा अच्छा है, अच्छा समा सुहाना, मौसम मस्ताना, ऐसे में कोई मूडी गीत हो जाए, मूडी, हाँ मूडी, वेरी गुड, वेरी गुड, समझ गया, समझ गए, समझ गए। नमस्कार दोस्तों, किशोर दा ऊपर से जितने अक्खड़ और अड़ियल दिखाई देते थे, वास्तव में उनका दिल बहुत ही कोमल था। वो कितने इमोशनल थे, ये उनके दर्द भरे गीतों में बखूबी दिखाई देता था। उनके दर्द भरे गीतों में इतना इमोशन होता था कि सुनने वाले की आंखें नम हो जाएं। कुछ ऐसा था उनकी गायकी का जादू। आज आपके सामने मैं एक ऐसा किस्सा लेकर आया हूं जिसमें कुछ ऐसा हुआ था कि उनके गाए हुए गाने को सुनकर संगीतकार और किशोरदा दोनों ही रो पड़े थे। फिल्मी कहानियों में इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल सही चैनल पर हैं। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम उस गाने की रिकॉर्डिंग की बात करेंगे जिसको गाते वक्त किशोरदा और उस गाने के म्यूज़िक डायरेक्टर आनंद जी दोनों ही रो पड़े थे। बॉलीवुड में म्यूज़िक डायरेक्टर्स की एक जोड़ी थी कल्याण जी आनंद जी, जिन्होंने बॉलीवुड को एक से एक बेहतरीन गाने देकर खूब नाम कमाया था। आपको बता दें कि 80 के दशक में आनंद जी की बेटी रीता वलंबिया अपनी शादी के बाद लंदन में ही रहा करती थी। अभी पिछले साल 7 अक्टूबर 2021 को हार्ट अटैक से 62 वर्ष की उम्र में ही उनका देहांत हो चुका है। जब वो पहली बार माँ बनने वाली थी तो उन्होंने आनंद जी को फ़ोन करके कहा कि पापा, मुझे आपको देखे बहुत दिन बीत चुके हैं, प्लीज़ यहाँ आप लंदन में आ जाइए। उन दिनों आनंद जी एक फिल्म के गानों की रिकॉर्डिंग में काफ़ी बिजी थे और चाह कर भी बेटी से मिलने लंदन नहीं जा पा रहे थे। उन्होंने अपनी बेटी से कह दिया कि बेटी, मैं यहाँ बहुत बिजी हूँ और मुझे यहाँ बहुत काम भी है, इसलिए मैं अभी नहीं आ पाऊँगा। आनंद जी की बेटी को उनकी ये बातें सुनकर बहुत तकलीफ हुई और वो काफ़ी दुखी भी हो गईं। तब उनकी बेटी ने जवाब दिया कि पापा, आपने मुझे विदा कर दिया, तो क्या आपके सारे हक, सारे कर्तव्य सब खत्म हो गए? अब क्या मेरा आप पर कोई हक नहीं है कि मैं आपसे कुछ मांग सकूं? बेटी की ये बातें सुन आनंद जी भी बहुत दुखी हो गए और बेटी की बातों से उनका मन बहुत व्यथित हो गया। लेकिन उन्हें अपना मन मार कर अपने काम को ही प्रायोरिटी देनी पड़ी और वो काम में फिर से बिजी हो गए। उन्हीं दिनों सुल्तान अहमद, मिथुन चक्रवर्ती और पद्मिनी कोल्हापुरे के साथ एक फिल्म बना रहे थे, दाता। इस फिल्म में वो एक बेटी की विदाई का गीत शूट करना चाहते थे जिसमें वो ढेरों हाथी घोड़ों को दिखाना चाहते थे। लेकिन कल्याण जी आनंद जी ने कहा कि हाथी घोड़ों को दिखाने के बजाय हमें लड़की के विदाई के वक्त का वो इमोशन दिखाना चाहिए जिसे देखकर लोगों का दिल भर आए। हम कुछ ऐसा गाना बनाते हैं जिसमें लड़की के दिल के जज्बात दिखाया जाए। अपने दिल में कुछ ऐसा गाना बनाने के लिए सोचकर कल्याण जी आनंद जी ने दाता फिल्म में ये गीत बनाया था। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है, इस बेहतरीन सुपरहिट गाने को लिखा था अनजान जी ने और गाया था अलका याग्निक और हम सब के प्यारे दुलारे किशोर दा ने। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। जब इस गाने की रिहर्सल हो रही थी उसी वक्त इस गाने को गाकर अलका याग्निक जी रोने लगी थी। तब किशोर दा ने कहा था कि आप लोगों ने क्या गाना बनाया है। ये कहते कहते वो किशोर दा, जो हमेशा सभी को हंसाते रहते थे, उनकी भी आंखें भर आईं। उन सबको इमोशनल देखकर आनंद जी भी अपनी बेटी की विदाई को याद करके
रोने लगे। बाद में ये गाना किशोर दा और अलका याग्निक जी ने सिंगल टेक में गाकर पूरा किया। बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है। ये पूरा वाकया आनंद जी ने एक टीवी प्रोग्राम में बताया था। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज जरूर लिखिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बीच वाली बटन दबा दीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।